थैंक यू। किस तरह की एक्साइटमेंट है आज के रिसेप्शन के लिए? हाँ, सबसे पहले थैंक यू आप सबको आने के लिए, थैंक यू सो मच। हाँ, आज की एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है क्योंकि हम ये इकलौता फंक्शन है जो हम मुंबई में कर रहे हैं, इकलौता एक कह सकते हैं एक दावत है जो हम अपने मुंबई में जो जानकार लोग हैं उन सब के लिए कर रहे हैं, आप सब लोगों के लिए कर रहे हैं। सो या एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है क्योंकि जिस तरीके से शादी पूरी हुई है एंड उसके बाद यही एक लास्ट ओकेजन बचता है रिसेप्शन का, तो उसमें भी एक्साइटमेंट भी था, नर्वस अभी भी है बहुत ज़्यादा, तो खुशी भी इस बात की कि सब वापस आ गई है। एंड यस, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब यहाँ पे इतनी तादाद में आए हैं और शादी को भी आपने बहुत ज़्यादा उस चीज़ को उठाया है, उसके आर्टिकल्स बनाए, क्लिप्स बनाए, उसके लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और बस बाइट्स करने के बाद आराम से रुकिएगा और खाना खा के जाइए। जी बस अभी कुछ देर एक बार दुल्हन साहिबा जो है वो रेडी हो जाए, फिर आप देखिएगा उसकी एंट्री कैसे होगी। हाँ, इंशाल्लाह उसकी भी धूमधाम से ही होगी। हाँ, थोड़ा सा वेट कीजिए और फिर विटनेस कीजिए, कुछ चीज़ों को देखना एक्सपीरियंस करना ज़्यादा मज़ा आता है। बहुत ज़्यादा और मुझसे ज़्यादा शायद अम्मी को बहुत ज़्यादा खल रही है क्योंकि अम्मी के साथ दिन भर वो रहा करती थी और अभी जब मैं शूट के बाद घर जाता हूँ तो सबसे पहले मैं अम्मी के पास जाता हूँ, तो वहाँ पे वो जाते साथ हवा पानी देना, सब चाय बना देना, ये तो वो चीज़ नहीं है। बट यस, हाँ, कमी तो खलेगी, बट एक चीज़ की खुशी है कि वो खुश है वो बहुत और खुश जो है। वो चाहती थी वो हो गया, तो अल्लाह का शुक्र है। बहुत, कोई एक मेमोरी नहीं है, बहुत सारी है। जैसे मैंने अपने एक ब्लॉग में भी बोला था कि जब से मैं शादी करके आई, सबा हैज ऑलवेज बिन लाइक दैट चाइल्ड फॉर मी, यू नो। जब वो आई भोपाल से यहाँ पे, जब अम्मी और ये सब आए, तो वो बहुत ज़्यादा नाइफ थी, यू नो, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने उसे सिखाई और उसने ओपन हार्टेडली सीखी भी, अडेप्ट भी की। तो फॉर मी डेफिनेटली इट्स अ वेरी थैंक यू। सो फॉर मी इट वॉज दैट जर्नी, इट वॉज, मैं उस दिन शो को भी बोली थी कि इट्स ऑलमोस्ट लाइक गेटिंग योर डॉटर मैरिड, यू नो, द इमोशन इज हाफ ऑफ दैट। ऑब्वियसली एक माँ के दिल के इमोशंस क्या होते हैं वो तो हम सोच भी नहीं सकते बराबरी करने की, बट या शी इज ऑलवेज बिन वेरी डियर टू मी एंड शी विल ऑलवेज बी वेरी वेरी डियर टू मी। कभी नहीं, आई थिंक आप हमारे ब्लॉग्स देखिए, हमारी पूरी इब्राहिम फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह एक मिसाल है कि इट्स नॉट नेसेसरी कि सास नेगेटिव ही होती है या ननद परेशान करने वाली ही होती है या बहू भी आके सास को परेशान करने वाली ही होती है। इट्स जस्ट एवरीबडी अपने दिल से प्योर रहें और आई थिंक हमारे घर में सबका मोटिव यही होता है कि घर में प्यार रहे हर किसी के मन में। नहीं, सभा मौदा में नहीं है फिलहाल, अभी सभा रेडी हो रही है। हाँ, फिलहाल यहाँ है, रेडी हो रही है, रेडी हो रही है। तो टोटली उस पर डिपेंड है और खालिद पे डिपेंड है क्योंकि उनको उनकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको आगे करनी है, जो उन्होंने प्लान की हैं, अब वो वहाँ होती है यहाँ होती है वो उन पर डिपेंड करता है। दोनों जगह के उनके लिए ऑप्शन खुले हैं, यहाँ भी सभा ने घर वगैरह सब ले रखा है, वहाँ तो उसका घर है ही, तो जहाँ पे दोनों की फैमिली अब आराम से बैठ के बातचीत करेंगे, दोनों जहाँ पे सहमत होंगे कि हाँ ये बेटर है तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें करेंगे। क्योंकि एज अ कपल जब वो कोई भी अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करते हैं तो ये सारे जो डिसीजंस हैं ये उन दोनों के ही होने चाहिए, सो इट्स देम टू डिसाइड। थैंक यू, थैंक यू। देखो, मैंने तो सनी को एडवाइस दी थी कि भाई देखो, शादी होने के बाद एक लड़का ही होता है बीच का दारोमदार, क्योंकि लड़की एक नए घर से आती है एंड लड़का लड़के के लिए आती है और एक घर के लिए एक नई लड़की, यू नो, तो लड़का बीच का बैलेंस जो है वो मेंटेन करता है दोनों को, आपस में छोटी मोटी चीज़ें होती हैं उनको सही करने के लिए। तो सनी को मैंने वो सलाह दी थी और सभा को तो मैंने बोला था कि तुम बस जैसी हो वैसी रहो। नहीं, अभी तक ऐसा कुछ थॉट नहीं आया, लेकिन हाँ, जो भी मैंने उसको बोला वो एज अ ब्रदर अपनी बहन के लिए बोला, क्योंकि कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो लेकिन आप अपनी बच्ची को किसी और के घर भेज रहे हो, जिस तरीके से वो पली बड़ी है बचपन से लेके अब तक,
तो मैं उसको वही बोल रहा था। सबा कभी कभी क्या है ना कि संकोच में बहुत सारी चीज़ें नहीं बोलती है वो, कि भाई को परेशान नहीं करना, अम्मी को परेशान नहीं करना, उसका नेचर ऐसा है। तो मैं उसको वही बोल रहा था, खालिद से बोल रहा था कि सबा को खुश रखना, और सबा से बोल रहा था कि कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो तो मुझे बताओगी, तुम उसे छुपाओगी नहीं। तो वो बोल रही थी कि भाई आपसे नहीं बताऊँगी तो किससे बताऊँगी। तो यही सारी चीज़ें मैं उसको समझा रहा था। सच बोलूं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो मैं शादी में नहीं कर पाया। अल्लाह का शुक्र है कि मैंने हम दोनों ने हर जो चीज़ सोची थी सबा को लेके, उसकी शादी को लेके, छोटी से छोटी प्रिपरेशन से लेके बड़े से बड़े मोमेंट तक, हर वो चीज़ जैसे हमने सोची थी वैसी एग्जीक्यूट हुई है। यस, एक दिन मैंने मिस किया, ये दो लोग दो दिन पहले पहुँच गए थे, क्योंकि इनका मैं जा नहीं पा सकता था शूट की वजह से, किसी एक का जाना ज़रूरी था, तो ये जल्दी गई थी। बट कोई नहीं, मैंने बाद में पूरी भरपाई कर दी थी पहुँच के। आई थिंक ये मेरा जवाब नहीं होगा, बिकॉज हम दोनों ने, और इट्स कभी भी कोई भी चीज़ आप एक अकेले नहीं कर सकते। मैंने, शोएब ने हर चीज़ बहुत समय से सोची थी, यू नो, तो जब व्हेन थिंग्स आर वेल थॉट तो उसको एग्जीक्यूट करना बहुत आसान होता है। प्लस हमारे आसपास जो इतने प्यारे प्यारे लोग हैं हमें हेल्प करने के लिए, वो सब साथ में थे। चाहे वो मैं माई बॉयज़ हमेशा बोलती हूँ, जो मेरे सारे देवर हैं, मेरे जो सारे बच्चे हैं वो हो, फिर हमारा जो स्टाफ हु इज़ मोर देन फैमिली टू अस, वो सब, हर कोई एक पैर पे रहा है हम ये पूरी शादी इतनी सक्सेसफुल करने के लिए। एंड जैसे कि शोएब ने कहा कि हमने जो जो छोटी छोटी चीज़ें भी सोची थी ना, तो वो चीज़ हो पाई, इस बात की सेटिस्फैक्शन है। अब वो सफल हुई है ये आप लोगों ने मुझे बिलीव करवाया है, हम लोगों को बिलीव करवाया है। नहीं, पर जो भी हो, लेकिन ये बात फैक्ट है कि इस बार जो भी मेहनत हुई है, जो जिस तरीके से हमने सोचा था, जो वो एग्जीक्यूट हो पाया है, सिर्फ इसकी वजह से। क्योंकि आप सबको पता है मैं शूट पे बिजी था, मैं फिजिकली वहाँ पे नहीं था। यस, वर्चुअली मैं फ़ोन पे था, वीडियो कॉल्स पे था, जब जब मुझे वक्त मिलता था मैं देख लिया करता था। बट हर चीज़, छोटी से छोटी चीज़, मतलब कपड़ों से लेके, वेन्यू से लेके, खाने पीने के सामान से लेके, वो थालों में क्या होगा, टेस्टिंग से लेके, थालों में क्या होगा, कितने गजरे होंगे, हर एक चीज़ से लेके, पूरा जो इस बार क्रेडिट जाता है वो जाता है मेरी सुपर वूमन, जो मैं हमेशा बोलता हूँ। विश तो यार बस यही है, एक भाई हमेशा यही चाहेगा कि बस दोनों हमेशा खुश रहें, और कैसा भी वक्त हो, चाहे ज़िंदगी में अच्छा हो, बुरा हो, उतार चढ़ाव सब हो, एक दूसरे का सपोर्ट बन के आगे बढ़ें, और हमेशा एक दूसरे को ऐसे ही प्यार करते रहें, और ऐसे सपोर्ट करते रहें, एक दूसरे को समझें, बस यही ज़िंदगी है यार। yes. बस साथ रहना वो इम्पोर्टेंट है। एक और बात, आप दोनों की मैं बात करूँ, आप दोनों काफ़ी हैंडसम और आप काफ़ी ब्यूटीफुल दिख रहे हो। थैंक यू। पर सबसे ज़्यादा वक्त किसने लगाया आज तैयार होने में? देखो क्या होता है ना कि मैं हमेशा लास्ट में तैयार होता हूँ सारी चीज़ें करके, ठीक है? तो दिखने वाले को दिखता है कि मैं हमेशा एंड में आया हूँ, बट मैं 45 मिनट में रेडी हूँ। नहीं, पोनी वोनी बनवाने में तो टाइम लग जाता है। आज ये जल्दी तैयार हुए हैं, आज मैं भी सरप्राइज हो गई थी जब इन्होंने मुझे मैसेज किया कि बस मैं रेडी हो गया हूँ, मैं नीचे उतर रहा हूँ, तो मैं सरप्राइज हो गया, बोला अरे वाह। बट हाँ, ठीक है ना, हमारे जनाब माशाल्लाह इतने हैंडसम लगते हैं, तो टाइम तो बनता है। सबको पता है कि मेरा ज्यादा वक्त जाता है बाल बनाने में, तो उसमें वक्त लग जाता है। For me, सबा को विदा करना was very, very difficult. हम लोग शादी से पहले एक ही सोसाइटी में रहा करते थे, जैसे कि आप सबको पता है कि ऊपर नीचे हम लोग रहा करते थे, बट सबा को अपने घर से दूर करना, एक दूसरे शहर में भेजना, वो बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलूँ, इमोशनल था कि एक कभी कभी तो ऐसा भी लग रहा था एक पल के लिए कि यार रोक लूँ मैं इसको, किसान नहीं उससे बोलूँगी, खालिद चलो तुम चलो मेरे साथ, लेकिन नहीं, ये दुनिया का दस्तूर है। मतलब मैंने अभी तक उस दिन के बाद मैंने किसी का निकाह का व्लॉग नहीं देखा, बिकॉज आई जस्ट कांट सी दैट। मैंने भी अपना व्लॉग डाला तो, लेकिन मैंने भी व्लॉग डाला वो, लेकिन एक बार जब मैंने देखा
अपलोड करने से पहले दोबारा मैंने भी उसको नहीं देखा है, और इनफैक्ट मैं अंकित दीपिका लोग से भी बोल रहा था कि मत दिखाना घर वालों को, क्योंकि जब जब वो देख रहे हैं ना तो तब तक वो उतना ही रो, पापा तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं चीज़ों को लेकर, तो उनको तो उनसे तो बहुत ही ज़्यादा अवॉइड कर रहे हैं हम। बट आई एम श्योर हर घर में यही हाल होता होगा। हाँ चलिए, थैंक यू सो मच। एक फोटो कर लेते हैं, इसको फोटो नहीं।